हेलो गाइस, आई एम धवल करेना फ्रॉम लाइम इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मॉडल के बारे में, कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मॉडल क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे और थोड़ा बहुत सीखेंगे। तो देखते हैं, पहले व्हाट आर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कुछ और बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि किसको आप इम्पोर्ट बोलोगे और किसको आप एक्सपोर्ट बोलेंगे। सी, अब सबको पता है कि इसको इंपोर्ट बोलते हैं और इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन होगी राइट, कि किसको इंपोर्ट बोलना चाहिए और किसको एक्सपोर्ट बोलना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले व्हाट इज इंपोर्ट, इंपोर्ट किससे बोलना चाहिए। इंपोर्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विस दैट आर परचेस्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई कंट्रीज रेसिडेंट रदर देन बाइंग डोमेस्टिकली। तो इंपोर्ट किसको बोलना चाहिए। सी, अगर आप इंडिया में बेस्ड हैं और इंडिया में कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, बाहर से परचेस करोगे किसी और कंट्री से, लाइक फ्रॉम अलीबाबा है, फ्रॉम अली एक्सप्रेस डॉट कॉम है, उसके बाद आता है यूएसए में वॉलमार्ट डॉट कॉम है, ठीक है। तो आप उसको ऑनलाइन परचेस करोगे और आप इसको आपको उस इंडिया में वो मिलेगी, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो इम्पोर्ट। उसके बाद आता है व्हाट इज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट किसे बोलोगे। Exports are goods and services that are produced domestically but then sold to customers residing in other countries. See, अगर आप यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे, प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसका आप बाहर सेल करना चाहते हो, इन UAE और यूरोपियन कंट्री में सेल करना चाहते हो, ठीक है, आपका कोई बायर है वहाँ पर, उसको सेल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सी, कोई एक को आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मॉडल नहीं बोल सकते, उसके कई सारे टाइप हैं। तो यहाँ पे जो मेन तीन टाइप है वो देखेंगे हम कि कौन से टाइप्स हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के। सबसे पहले है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी EMC, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी ETC, और उसके बाद आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंट। इसके सारे और भी टाइप है लेकिन वो बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है हाउ टू स्टार्ट एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इसके स्टेप है कि कैसे शुरू किया जाए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सबसे पहले है टैक्स रजिस्ट्रेशन, इंडिया में GST होगा, उसके बाद आता है पान नंबर, उसके बाद आता है करंट अकाउंट आपको खोलना चाहिए, और उसके बाद आता है IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और सबसे लास्ट में है RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेम्बरशिप सर्टिफिकेट, कि उसको ये सब स्टेप है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है इंडियाज मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़, सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट कौन सी प्रोडक्ट होती है। पहले नंबर पे ऑयल एंड मिनरल फ्यूल्स, उसके बाद आता है प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, उसके बाद है आयरन एंड स्टील, और चौथे नंबर पे है कॉटन, और उसके बाद है एल्यूमिनियम, और कई भी सारी प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो मेन फाइव है वो इंडियाज मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती प्रोडक्ट ये पाँच है। उसके बाद आता है इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, सबसे ज़्यादा कंट्री में इंडियंस जो एक्सपोर्ट करते हैं वो है पहले नंबर पे USA ऑब्वियसली $52 बिलियंस, उसके बाद आता है UAE दुबई $27.1 बिलियन, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे चाइना $16.6 बिलियन। ऑब्वियसली चाइना सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भी करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बाद आता है हांगकॉन्ग $12.8 बिलियन। सी, अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो लाइम इंस्टीट्यूट का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी है, ऑब्वियसली वेबसाइट भी दिया गया है, तो आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग के बारे में जान सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड विजिट द लाइम इंस्टीट्यूट .org। थैंक यू गाइज़।